हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स थे उनकी सीरीज चल रही थी और उसमें जो आज पढ़ने वाले हैं वो है के एस सिंह या कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, कुमार सुरेश जो सिंह हैं ये इंडियन सिविल सर्वेंट रहे थे, मतलब आईएएस से सिलेक्टेड थे। और इन्होंने जहाँ पे काम किया था उसी समय, जैसे इन्होंने इनका जो मेन जो वर्क था वो छोटा नागपुर का जो पठार है वो वाला एरिया, ये बिहार है, यहाँ पे ये काफ़ी समय तक कमिश्नर के रूप में और इस तरह से रहे थे कई सारे पोस्ट पे। तो धीरे धीरे जो इनका इंटरेस्ट था वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे उनके प्रति इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और इनका जो झुकाव था वो ज़्यादातर ट्राइब्स पे होने लग गया और इन्होंने अपनी बुक्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनका भी ध्यान इन पर गया कि इनका जो इंटरेस्ट है वो ट्राइब्स पर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए इनका सपोर्ट भी किया और इनको विभिन्न पद भी दिए। ठीक है, और इन्होंने काम किया उसके लिए। तो इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुमार सुरेश सिंह एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इनका पूरा नाम कुमार सुरेश सिंह था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, कुमार सुरेश सिंह, के सिंह का पूरा नाम। ठीक है, जन्म होता है इनका 1935 में और 2006 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ के थे ये, बिहार के रहने वाले थे, मुंगेर के। ठीक है, मुंगेर बिहार के। और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये, ट्राइबल स्टडीज के लिए। देखिए फ्रेंड्स कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आईएएस थे, आईएएस बनकर शांति से अपनी जॉब कर सकते थे, बट इनका जो इंटरेस्ट था वो ट्राइबल स्टडीज पे होता गया। ठीक है, और उसी पे इन्होंने काफ़ी वर्क भी किया। बिरसा जो मुंडा थे, बिरसा मुंडा, ठीक है, जो वहाँ के जो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई करी थी। ठीक है, उन पर इन्होंने अपनी थीसिस भी लिखी। ठीक है, और कहाँ थे जो मैंने अभी जस्ट बताया था, छोटा नागपुर में ये रह रहे थे। ही वॉज वन ऑफ द थ्री इंटेलेक्चुअल फादर इन क्रिएशन ऑफ झारखंड। जब बिहार से जब झारखंड टूटता है तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मतलब बिहार से जो स्टेट झारखंड बनता है, झारखंड के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक्स है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने झारखंड के डेवलप जो बनने में काफ़ी मदद की थी। ठीक है, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो याद रखने लायक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, वो है इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था। कई सालों तक चलता रहा था ये सर्वे, कई सारी कम्युनिटीज जो जातियाँ थी उन पर करवाया था, उसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया सर्वे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूरी है याद रखना इनके लिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बुक्स तो हालांकि इन्होंने बुक्स काफ़ी लिखी है, बट ये बहुत बड़ा सर्वे था, काफ़ी सालों में ये खत्म हुआ था इनका सर्वे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जो समुदाय थे उनकी क्या करी थी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करी थी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करी और इन्होंने कितने आइडेंटिफाई किए थे कम्युनिटीज, 4694 कम्युनिटीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। किस दौरान, जब ये पीपल ऑफ इंडिया सर्वे कंडक्ट कर रहे थे। और ये कब, कहाँ से कहाँ तक चला, 1985 से चालू होता है और 1994 तक ये करते हैं। टोटल 3000 स्कॉलर्स इनके कांटेक्ट में आते हैं, वो इनके साथ में उस दौरान उस सर्वे का पार्ट बनते हैं। और जो इन्होंने जो स्कॉलर्स थे वो वेरियस सेमिनार और वर्कशॉप में जाकर इनका जो विचार थे, इन्होंने जो इस सर्वे में जो पाया था, ठीक है, जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो डाटा गैदर किए थे वो उन्होंने वर्कशॉप सेमिनार में बताया था लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब ASI के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, ASI के डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। कब रहे थे, 1984 में रहे थे। बुक्स इन्होंने लिखी थी वो याद कर लीजिए फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। और एग्जाम में इनके लिए भी यही पूछा जाएगा कि कौन सी किताब इन्होंने लिखी है और कौन सी किताब नहीं लिखी है। ठीक है, तो 5 किताबें इनकी, द इंडियन फेमाइन, द शेड्यूल ट्राइब, द ट्राइबल सिचुएशन इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया सर्वे और ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वही सर्वे जो मैं बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के सिंह के लिए यही चीज़ है। ठीक है, बाकी कोई पूछा जा सकता है, शायद ही कोई किताब पूछी जाएगी, बट जो पीपल ऑफ इंडिया का जो सर्वे इन्होंने कंडक्ट कराया था ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ये ढंग से याद कर लेना इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।